करकोन गांव कारगिल 2 मई सन 1999। उस दिन से 26 जुलाई सन 1999 तक उस वक्त के भारतीय फौज ने लड़ा कारगिल युद्ध। फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता कैप्टन विक्रम बत्रा, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा जैसे हजारों वीर सिपाहियों ने इस देश के सरहद के लिए, कश्मीर के लिए, हमारे लिए अपनी जिंदगी का सर्वोच्च बलिदान दिया। उन दिनों कारगिल की खूबसूरत वादियों में गोलियों के गड़गड़ाहट और इस देश के हर एक कोने में शहीद हुए फौजियों के परिवार की रोने की आवाज के अलावा और कुछ नहीं था। हर दिन कारगिल से लाशें आती थी देश के अलग अलग कोने में। सुबह जिनके साथ खाना खाया, शाम होने तक उसकी उधड़ी हुई बॉडी अपने हाथों से घर भेजा। कारगिल के हीरोज, गोरखा रेजिमेंट के सोल्जर्स जिन्होंने कारगिल लड़ा है, उन रिटायर्ड फौजियों के साथ जब मैं मिला तो उनसे हमने पूछा कि सर, कारगिल युद्ध में हमने पाया क्या और खोया क्या। इस प्रश्न का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, कारगिल युद्ध में हमने बहुत कुछ खोया। क्या पाया इसका हिसाब हम नहीं जानते। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमने अपना साथी खोया, अपना भाई खोया, जिनके साथ उठना बैठना खाना पीना सब होता था, उनसे फिर कभी बात नहीं हो पाई। ये दर्द आज भी मेरे दिल में है और आखिरी सांस तक रहेगा। हम लड़ रहे थे इसलिए नहीं कि सामने वालों से हमें दुश्मनी है, हम लड़ रहे थे इसलिए क्योंकि इस देश के मिट्टी से हमें प्यार है। गोरखा रेजिमेंट के मेजर साहब से जब मैंने ये बात सुनी तो मैं सोच में पड़ गया कि इस देश के मिट्टी में तो हम भी रह रहे हैं, हम कैसे इस मिट्टी का कर्ज चुकाएं। मैं इस मिट्टी का कर्ज तो नहीं चुका सकता, लेकिन आज कारगिल विजय दिवस में उन वीर सिपाहियों को मेरा सतकोटि प्रणाम। भगवान उनकी परिवारों की जिंदगी को आसान करे। जय हिंद, जय भारत।